आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र आप SDO लेवल से कैसे बना सकते हैं SDO पदाधिकारी से, वह भी ऑनलाइन। अगर आप बिहार के हैं तो SDO पदाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं बिना कहीं जाए हुए। तो चलिए जानते हैं किस तरह कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन आप SDO लेवल से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आवासीय आय जाति EWS कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें वो वीडियो बनाया था, और इससे पीछे मैंने आपको एक और वीडियो दिया जिसे मैंने आपको आवासीय प्रमाण पत्र SDO लेवल से कैसे बनाए वो भी दिया था। अगर ये सब वीडियो आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक सभी वीडियो का आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको आना होगा serviceonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस वेबसाइट पे आके एक अकाउंट बनाएंगे जिसके लिए खुद का पंजीकरण भी क्लिक करके एक अकाउंट बना लेंगे। अगर इस वेबसाइट पे आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के लिए आगे बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी देंगे, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड देंगे और इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो ओटीपी आएगा वो पासवर्ड के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में देंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा। याद रखिए कि SDO लेवल से आप आवासीय आय जाति या EWS कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं SDO लेवल से, SDO लेवल से बनाने से पहले आपको वो सर्टिफिकेट CO लेवल से बनाना अनिवार्य होता है। जब तक आप CO लेवल से नहीं बना पाएंगे तब तक आप SDO लेवल से नहीं बना पाएंगे। तो CO लेवल से कैसे बनाए उसके बारे में सारे वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ सारी वीडियो का, आप देख के CO लेवल का वीडियो आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम हो या आवासीय, कोई भी सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं CO लेवल से। जब CO लेवल से बन जाए तभी आप SDO लेवल से बना पाएंगे, जब SDO लेवल से बन जाएगा तब आप DM लेवल से बना सकते हैं। तो चलिए मैंने अप्लाई किया था, उसको स्टेटस भी चेक करके डाउनलोड भी करेंगे उस सर्टिफिकेट को इसी वीडियो में, और मैं कास्ट सर्टिफिकेट को अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत के लिए भी आवेदन करूंगा। उसके लिए यहाँ पे मेरा आवेदन CO लेवल से जो किया उसका स्टेटस चेक करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे गेट डाटा है, गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी आपने आवेदन किए सारे की लिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं और उनके क्या क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डिलीवरी हो चुका है यानी कि ये बन चुका है, ये हमारा प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, इसका स्टेटस अंडर प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैं कास्ट सर्टिफिकेट अनुमंडल पदाधिकारी से अप्लाई करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट SDO लेवल से बनाने के लिए हम आवेदन कर रहे हैं इस वीडियोज में। तो इससे पहले मैंने CO लेवल के लिए आवेदन किया था जो आप देख पा रहे कास्ट सर्टिफिकेट, और जो मेरा बन चुका है तो इस सर्टिफिकेट को पहले हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पर क्लिक करेंगे और इस कास्ट सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते, देख सकते हैं हमारा सर्टिफिकेट जो ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ली, अब चलिए हम SDO लेवल से अप्लाई अब करते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सर्विस आ गए, यहाँ पे 10 ही सर्विस शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 110 है तो इसको 100 कर लेंगे ताकि जितने भी सर्विस है वो सारे हमें एक साथ दिखाई दे। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसमें सर्विस ढूंढेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, 30 नंबर में जो कास्ट सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र का संख्या, अंचल अधिकारी से जो आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया था उसका जाति प्रमाण पत्र का नंबर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण पत्र है, यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या जो है ये हमारा अंचल अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र का नंबर, इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं टोकन नंबर कहाँ से मिलेगा, चलिए टोकन नंबर लेने के लिए सर्टिफिकेट में ही जाएंगे। सर्टिफिकेट के सबसे नीचे वाले भाग में देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए टोकन नंबर दिया गया है। सर्टिफिकेट के सबसे नीचे देख लीजिए हमारा माउस कहाँ है, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया टोकन नंबर, यही टोकन नंबर को आपको कॉपी कर लेना होगा, यही आपका टोकन नंबर हो गया। इसको कॉपी करेंगे, इस टोकन नंबर वाले बॉक्स में पेस्ट करेंगे, उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं जो आपने जाति प्रमाण पत्र CO लेवल से बनाते हुए जो डिटेल दिया था वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।
इस डिटेल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जो डिटेल आप सीओ लेवल से आप बनाते हुए दिए थे वो सारी डिटेल रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आप देख लीजिए अभी की डिटेल है, तो यहाँ पे आई एग्री को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अटैच पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपने सीओ लेवल से बनाते हो तो आधार ओटीपी का यूज किया था, तब आपको यहाँ पे भी आधार ओटीपी का ही यूज करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। अगर आप सीओ लेवल से डॉक्यूमेंट अपलोड करके बनाए थे तो यहाँ पे आपको एचडीओ लेवल से भी बनाते वक्त डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे देख सकते हैं जो कि पहले से अपलोड है, इसे प्रीव्यू पे क्लिक करके इस सर्टिफिकेट को आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे दस्तावेज, कोई भी एक दस्तावेज आप देख सकते हैं, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, पासवर्ड हो, मनरेगा जॉब कार्ड हो, पहचान पत्र, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूँगा, उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा, उसके बाद फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिसिप्ट जनरेट हो गया। इस एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके इस रिसिप्ट को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह आपने सीओ लेवल का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया, उसी तरह आपको जब ये सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा उसी तरह आपको ये सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट निर्गत हो जाने की जानकारी आपको मेल और आपके मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा दे दिया जाता है। तो उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि जाति प्रमाण पत्र एचडीओ लेवल से कैसे बना सकते हैं।